नमस्कार, आपके साथ में हूँ रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। 5 अक्टूबर गुरुवार का दिन प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के लिए बड़ा दिन रहा। वहीं इन केंद्रीय एजेंसियों ने दो बड़े विपक्षी दलों के दर्जनों ठिकानों पर रेड की और TMC के मंत्री और DM के सांसद के घरों और उनके अन्य लोकेशंस की तलाशी ली गई। वहीं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केंद्रीय एजेंसी एक्शन मोड में दिखी। वहीं शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी पहले ही ED ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ED IT के पास दर्जनों केस है जिसकी जांच या तो शुरू की गई है या तो पहले से चल रही है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 5 दिनों की रिमांड पर भेजे गए हैं और इस दरमियान उनसे लेन देन और अन्य संभावित रूपों से शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता के घर पर 2 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है और वे 10 अक्टूबर तक केंद्रीय एजेंसी की रिमांड पर है। वही रिमांड कॉपी में उन्हें घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। आरोप है कि शराब नीति की रूपरेखा उनकी देखरेख में तैयार की गई थी। वही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और एक मुखर नेता के रूप में पहचान बना चुके संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों को खारिज किया है और उन्होंने आरोपों को बुनियाद बताया है। वही राउंड इवेंट कोर्ट ने ईडी को उनकी रिमांड दी है और पेशी के दौरान ले जाते वक्त पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बता दें, इसी शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के और भी 2 बड़े नेता जेल जा चुके हैं। वही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मई महीने में गिरफ्तार किए गए थे और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे और इसी दौरान कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते दिन गुरुवार को कई राज्यों में छापेमारी की और उत्तर प्रदेश से लेकर वहीं पश्चिम बंगाल में म्यूनिसिपलिटी में अवैध रूप से नौकरी देने का मामला है, जहां TMC के एक मंत्री रतिन घोष के घर और ठिकानों समेत 12-13 स्थानों पर ED रेड हुई। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु में DM के सांसद के घर और उनके करीबियों के घर छानबीन के लिए इनकम टैक्स ने 40 लोकेशन पर रेड की है। वही हैदराबाद में व्यापारियों, उद्योगपतियों समेत ठेकेदारों के घर और लोकेशन की तलाशी ली गई। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।